तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:45 हुए हैं और हम चित्रकूट से निकल पड़े हैं और हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तरफ जाना है। यहाँ से हम आगे जाके लेफ्ट हो जाएंगे एक्सप्रेस वे की तरफ। सो ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। यहाँ से अभी मैं लेफ्ट हो जाऊँगा, यहाँ से घूम के सीधा आ जाऊँगा, आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों आगरा है यहाँ से 435 और दिल्ली है 678। चलिए चलते हैं, अभी बहुत लंबा सफ़र है। तो क्या दोस्तों, आपने सुबह ऐसी चादर देखी है? आपने यहाँ पे देखी बुंदेलखंड वालों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जहाँ से शुरू होता है। चलो चलते हैं, अभी बहुत लंबा सफ़र है, तय करना है आज ही। ये सुबह का मौसम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, ये देखिए कोहरा, कोहरे की चादर देखिए। तो अभी भी यहाँ से तकरीबन कानपुर 135, इटावा 260, झांसी 325 और सूर्य देवता उदय हो चुके हैं। और ये देखिए सुबह बांदा, ये अपना बांदा है, बांदा कोहरे की चादर। आगरा 376, दिल्ली अभी भी 619 किलोमीटर है। चलो चलते हैं। सो ये दोस्तों जो उधर से जा रहा है, ये जा रहा है कानपुर। सो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बहुत सही है, मतलब सीधा आप चित्रकूट से, मैं आया हूँ और अभी ये मुझे उतारेगा सीधा। अभी यहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर हो रहे, तो ठीक है, अच्छा खासा बना हुआ है, बहुत मज़ेदार है, ठंड में मज़ा आ रहा है। चलिए आपसे मिलते हैं आगे। सो दोस्तों माइक काम नहीं कर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और अभी देखिए दिल्ली यहाँ से 539 किलोमीटर है, बहुत ही लंबा सफ़र है। और अभी तो हमने जस्ट शुरुआत ही की है, 2-3 घंटे ही हुए चलते हुए। अभी तक मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे मुझे कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी ऐसी टपरी नहीं मिली है जो मतलब रुक कर चाय वगैरह पी सकूँ, ना ही कोई पेट्रोल पम्प है। तो अभी तो सीधे चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। ये जो मेरा टूर रहा है चित्रकूट का और बागेश्वर धाम का और खजुराहो का, ये बहुत ही शानदार टूर रहा है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें छूटी है, वो शायद ऊपर वाले की दया है कि उसने छटवा दी ताकि दोबारा भी आने का मौका मिले इसी जगह। और मंदिर बहुत प्यारे हैं। अगर आप हरिद्वार जाते हैं, जैसा आपको हरिद्वार लगता है ना, तो चित्रकूट भी बिल्कुल वैसे। हरिद्वार में जितने स्थान हैं देखने लायक, ऐसी चित्रकूट में भी बहुत स्थान है देखने के लिए, बहुत स्थान है। और ये नहीं कि छोटा है चित्रकूट, चित्रकूट बहुत बड़ा है। और यह मान लीजिए आधा चित्रकूट यूपी में और आधा चित्रकूट आपका मध्य प्रदेश में है। और जहाँ तक करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात, ये शानदार है, बहुत ही शानदार है। बिल्कुल सीधा रोड है, बिल्कुल सीधा, आप स्केल से नाप सकते हैं इस पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आपको यहाँ पर अभी तक जितना भी मैं चलाऊँ पेट्रोल पंप तो मुझे देखने को नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई चाय वगैरह की शॉप मिली है कि थोड़ा सा रुक कर आराम कर सके। तो दोस्तों बाइक पे स्पीड तो ठीक ठाक है और मुझे शायद नहीं लगता कि आवाज़ थोड़ी सी आपको ठीक सुनाई दे रही होगी, लेकिन कोशिश करूँगा जब वीडियो में डालूँ तो आपको वॉइस मेरी क्लियर सुनाई दे। मंजिल अभी भी दूर है, दिल्ली 504 किलोमीटर। तो इस हाईवे पे दोस्तों आपको ट्रक वगैरह बहुत दिखाई देंगे क्योंकि हाईवे बिल्कुल स्ट्रेट है और बिल्कुल मतलब आपको ट्रक दिखाई देंगे यहाँ पे कि जो लंबे लंबे टूर करते हैं। और ये देखिए ये रास्ता देखिए दोस्तों, व्यू मतलब ठीक ठाक है, अच्छे व्यू है। मतलब आप अकेले सड़क पर चलते रहते हो, सिर्फ आपको लगता है आप ही यहाँ पर अकेले चल रहे हो, कभी कभी आपको ट्रक दिखाई पड़ते हैं। और इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे हाईवे का निर्माण कितने अच्छे तरीके से और कितनी तेज़ी से हुआ है। और बाकी तो यही है, बोलने वाले बोलते हैं। और अभी हम ओरई यहाँ से क्रॉस करेंगे, आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो ओरई पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा सा गाड़ी को भगा लिया जाए, देखते हैं कि हमारी स्पीड कितनी जाएगी। अभी तो 104, 105, 106, 107,
और खींची और ये 124 24 25 और ये 126 तक पहुंची है। सो एक बार और ट्राई करते हैं दोस्तों, देखते हैं कहां तक जाती है। अभी चलिए शुरू करते हैं इस ट्रक को क्रॉस करने के बाद, देखते हैं कहां तक पहुंच पाती है। 126 तक तो पहुंचा दी है। और चलिए चले 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 121 पहुँचो खींचो 122 123 124। बस सर ये थोड़ी सी सड़क ख़राब है। तो अब ये देखिए नज़ारा देखिए, अभी तक तो ये लग रहा था, तो अभी थोड़ा हरियाली देखने को शुरू हुई है। ये देखिए थोड़ा सा सैडलिंग करते हैं और फिर देखते हैं। ये देखिए नज़ारा, थोड़ी स्पीड कम करते हैं, भगा तो ली। हाँ हेल्पलाइन वगैरह के नंबर तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये देखिए, और यहाँ से 750 मीटर झांसी और उरई के लिए रास्ता कट रहा है। शायद वो सामने बोर्ड लगे वहीं से ही रास्ता कट रहा है झांसी और उरई के लिए। अगर आप इसी रास्ते से झांसी और उरई जाते हैं तो झांसी आपको तकरीबन 500 किलोमीटर पड़ेगा दिल्ली से। ये बिल्कुल ही सीधा रास्ता है, बिल्कुल सेफ़ रास्ता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हाँ सिर्फ बड़े बड़े ट्रक देखने को मिलते हैं। और यहाँ से लेफ़्ट साइड पर आगे एक कट दिख रहा है, ये वाला कट दिख रहा है। यहाँ से हम झांसी और उरई के लिए निकल लेंगे। और आगरा 243, इटावा 119 और उरैया 91 किलोमीटर है यहाँ से। आगरा 237, इटावा 143 और उरैया 75 किलोमीटर है अभी भी। अभी यहाँ से कुछ नाम अलग देखने को मिले हैं, जैसे आगरा, भिंड और जालौन, वरना तो अभी तक उरई उरैया ही देखने को मिल रहे थे। जालौन दिल्ली और लखनऊ बिल्कुल सीधा जाना है। एक्चुअली दोस्तों ये सीधा लखनऊ पर ही मिलता है, लखनऊ एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से आगरा की तरफ आ रहा है ना हाईवे, ये सीधा वहीं पर मिलता है। और जैसे ही आप मुड़ेंगे तो तकरीबन 150 किलोमीटर है आगरा वहाँ से। देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं, इसको क्रॉस कर पाते हैं। और ये सामने बोर्ड लगा है, यहाँ से लखनऊ 245, दिल्ली 445 और कानपुर है यहाँ से 164 किलोमीटर। ओके यहाँ से भी ठीक है, पीछे भी कानपुर का रास्ता था और यहाँ आगे से भी है, ठीक है। अभी तो ये सीधा ही रास्ता है आगरा मथुरा और लखनऊ के लिए, तो ये सीधा ही रास्ता है, जबकि हम लेफ़्ट साइड में तो मथुरा के लिए निकल जाएंगे और आगरा के लिए, और राइट साइड में हम लखनऊ के लिए जाएंगे। और इटावा 100 किलोमीटर है, चलो कुछ तो दूरी कम हुई है। बीच बीच में दोस्तों हाईवे है ना अभी थोड़ा सा ख़राब है, बड़ा ठीक है, अच्छा है। गवर्नमेंट को जो ओवरलोडेड ट्रक है इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। ये देखिए कैसे बीच में चल रहा है, अरे ये अगर फैल गया तो फिर वही रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। पता नहीं लोग इतना सामान लेकर क्यों चलते हैं, समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं लोग। अभी इस हाईवे को 10 में से मैं 7.5 नंबर ही दूंगा, क्योंकि बीच बीच में से सड़क अभी तक ख़राब है। बीच में आपको कहीं रेस्ट पॉइंट या पेट्रोल पंप भी नहीं मिलेगा। और दिल्ली अभी भी 415 किलोमीटर दूर है दोस्तों। अकेले चलने का भी मज़ा अपना ही है दोस्तों, कि सब कुछ ही अपने हाथ में होता है, कब चलना है, कब आपको खाना है, आप इंजॉय कीजिए। ये देखिए व्यू देखिए आप दोस्तों, ये सामने आई थिंक यमुना जी बह रही है, तो देखते हैं अभी। ये देखिए दृश्य देखिए, बिल्कुल सीधा रोड है, बिल्कुल सीधा। हाँ आप रेस नहीं कर सकते क्योंकि बीच बीच में सड़क ख़राब है, क्योंकि अनबैलेंस होने का डर लगा रहता है। और ये देखिए यमुना जी दोस्तों, वाओ कितना विशाल रूप था। इसे देखिए, इसे बोलते हैं बीहड़, ऐसे ऐसे ही है।
मिट्टी की चट्टाने हैं जिसके बीच से ये हाईवे निकाला गया है। ये देखिए हरियाली बहुत ही कम है, बहुत ही कम देखने को मिलती है हरियाली यहाँ पर। बट गर्मियों के टाइम में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये देखिए वाह, यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। हाँ, जो काम करते हैं वो तो यहाँ पे रहेंगे ही। अभी तो हम वैसे विराने से जा रहे हैं। खेती वाली ज़मीन तो अभी भी दोस्तों देखने को नहीं मिली है, अभी भी सीधा ये यहाँ पर वीराना ही दिख रहा है। सिर्फ मैं चला जा रहा हूँ, बीच बीच में कभी ट्रक मिल जाते हैं या फिर बोर्ड मिल जाते हैं आपको इस तरह के, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। जब चला था 678 किलोमीटर था दिल्ली, लेकिन अब 396 किलोमीटर रह गया है दूर। ओह, अभी भी लंबा सफ़र है। तो किसी ने बताया था कि आपको कुछ दूरी पर ही यहाँ पर कैंटीन वगैरह मिल जाएगी और साथ में पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी कितना दूर है, ये भी खोजना ही पड़ेगा कितनी दूर है। चलिए चलते हैं। अभी तो यहाँ पर लग रहा है कुछ आसपास कुछ हल्का फुल्का खेती वाली ज़मीन भी देखने को मिली है। इट मीन्स यहाँ पर इंसानों के रहने की जगह आसपास ही है, मतलब। तो देखते हैं अभी कितनी दूर पड़ा है दोस्तों। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पेट्रोल भी भरवाना है क्योंकि बाइक में भी है इतना पेट्रोल कि चल जाएगी आगरा तक। बट रिस्क काहे लेना है, रिस्क नहीं लेते ना, चलते और आगे भरवाते हैं गाड़ी में पेट्रोल। अभी तो चल ही रहे हैं दोस्तों। पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर सिर्फ एक यही कंटीन है जो पीछे है। ये भी तकरीबन चित्रकूट से 300 किलोमीटर है और एक पेट्रोल पंप है ये रहा पीछे, सिर्फ यही है। मतलब 298-290 के करीब में सिर्फ यही एक आपको पॉइंट मिलेगा रेस्ट का, वरना सोच समझ कर आना इस एक्सप्रेसवे पे। खाने पीने की चीज़ और पेट्रोल डीजल फुल करके आना। चलिए मिलते हैं, आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों खुद भी खा लिया है, बाइक को भी खिला दिया है खाना और अफुल अब चल रहे हैं। और ये देखिए सामने से ना ऐसे ऐसे गधे लोगों की वजह से हादसे होते हैं। और इटावा और कन्नौज ये हमारे लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। बीच बीच में दोस्तों बहुत पैच ऐसे भी है जो ख़राब है, मैंने रिकॉर्ड तो किए पर मैंने डाले नहीं है कि जैसे आप सेकंड लाइन में चले तो पूरी सेकंड लाइन तकरीबन 400-500 मीटर बिल्कुल खोदी हुई है, मतलब आपको थोड़ा संभल कर ही चलना पड़ेगा। और यहाँ से लेफ्ट टावर के लिए निकल गए और ये देखिए दोस्तों वाओ, रास्ता देखिए क्या शानदार है। दिल्ली 365, आगरा 165, यानी कि 15 किलोमीटर बाद हम यहाँ से उतर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये टोल है जहाँ पे एग्जिट, जो आपने पीछे पर्ची कटवाई थी वो आपको यहाँ पर दिखानी पड़ती है। चलिए चलते हैं आगे। अब दिल को कुछ तसल्ली हुई है कि हम जल्दी से ही यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से निकल कर, इस हाईवे से निकल कर लखनऊ वाले एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाएंगे। और दिल को भी एक सुकून मिल रहा है कि एक पड़ाव पार के लिए दूसरा पड़ाव करना बाकी है, उसके बाद हम आगरा से नोएडा के लिए निकलेंगे। और यहाँ से हमें लेफ्ट साइड दिल्ली के लिए निकलना है, जी हाँ, और सीधा हम अयोध्या और लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। बट अयोध्या जी में तो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, तो हम उसके बाद निकलेंगे। ये देखिए यहाँ से दिल्ली, यहाँ से हमें लेफ्ट होना है। और चलिए कहीं पर रुककर आपसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कैसा है, क्या यहाँ कैसा यहाँ का रोड है। चलिए आपसे रुक के और बात करते हैं। दोस्तों ये था बुंदेलखंड हाईवे का आपको पूरा व्लॉग दिखाया, कैसी सड़क है क्या नहीं, अच्छा है। बट कई जगह से अभी भी काम चल रहा है। बट 290 और 300 किलोमीटर के लिए बाइक पर 310 रुपये का टोल कुछ ज़्यादा है, बट हाँ वर्थ है, टाइम नहीं लगता। बिल्कुल साफ खाली था सुबह से, और अभी ये लगा लीजिए जो अभी है 11:15 हुए, मैं तकरीबन 6 बजे चला तो 5 घंटे में आराम से आ गया, बीच में ब्रेक भी लिया आधा पौने घंटे का। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।